रहा है कि अपने जो बेटे बेटी अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकते तो उनको आज ये दिन देखना पड़ रहा है। हमारे माँ बाप को तो हमारी जिम्मेदारी है, जब हम छोटे थे तो वो हमारे थे, वो हमें संभालते थे। अब जब बड़े हो गए और उन्हें हमारी जरूरत पड़ी तो हम उन्हें छोड़ रहे हैं। हमने उनको पीछे छोड़ दिया है, वो लोग पीछे नहीं रहे हैं, तो हमें ही कहीं ना कहीं आगे लेके हमें उनके हमारे साथ लेके चलना है। इनके लिए कोई कोई यहाँ पे है नहीं, हर एक को अपना लाइफ है। थोड़ी देर उनको बात बताने में भी काफी अच्छा लग रहा था कि चलो आज कोई सुनने के लिए तो है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमें हमारे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए इन एनी सर्कमस्टेंसेस। युवावस्था तो खत्म हो गई, अभी वो वृद्ध हो गए हैं, तो उसमें हमारी जरूरत है, उसको प्यार की जरूरत है। ऐसे बदौलत प्यार की बजाय हम अगर तड़ छोड़ेंगे तो ये वडील क्या करेंगे। बहुत याद आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम, हर रोज दिल की। फोर ब्रदर से अपने तो नहीं आते, नहीं आते अभी तक, भाई ने दो भाई तो अभी वो लोग कभी एक साल में एक दफे आएंगे और हमको मिलेंगे तो हमको बहुत आनंद होगा। एकला पड़ी गया तो क्या जाए पछी? जाते क्या, 12 बच्चे की माँ संभाल सकती है, 6 बच्चे अपनी माँ को नहीं संभाल सकते क्या? प्रेम ना भूखा हुए थे तो प्रेम मड़े तो बीजू कहीं हमने जोतू नहीं, पैसा थी एक कहीं नहीं था, तो प्रेम जो ये प्रेम मड़े ये माँ बधु बधु छे। बुजुर्गो को आत्मीयता चाहिए, हारमोनी चाहिए, प्रेम चाहिए, वो जहाँ मिलता है वहाँ वो जाते हैं। और शादी से शादी बादी होती लेपन जाते क्यों? ये मेरी माँ है, समाज के लिए मेरी माँ है, इसका कुछ नहीं चाहिए, प्यार के हम बहुत चुके हैं। तुम तो बुलाता है घर। उसके मुताबिक अभी जो चलता है मॉडर्नाइजेशन अपडेट हम नहीं करेंगे, उसके साथ हम नहीं रहेंगे तो टकराव रहने वाला है। तो हमें वृद्ध लोगों को सीखना पड़ेगा कि ये जो युवा वर्ग है उनके साथ हमें कैसे ताल मिला सके, हम हमारी रिजिडिटी है वो निकाल दें और युवा के साथ हम उसके विचारों के साथ काम करें तो टकराव नहीं रहेगा, घर में शांति रहेगी। बालकों ने एज ने माता पिताओं ने पण एज सलाह आपू छू के तमे तमारा बालकों ने एवी रीते तैयार करो के काल सवारना माता पिता ना सम्मान करता सीखे। हम वो भी कहते हैं कि गरम रोटी खानी है तो ठंडा मगज रखो, और ठंडा मगज नहीं रखोगे तो ठंडी रोटी मिलेगी। क्योंकि यहाँ का जो वेस्टर्न टाइप चेंज हो, माहौल चेंज हो गया है, तो चेंज होने से आदमी की विचारधारा भी बदल जाती है कि अभी आदमी के अंदर मेरा यानी कि मेरा क्या है, सेल्फ सेल्फ की बात आती है तब दूसरों का भला कोई देखता नहीं है। पहले संयुक्त कुटुंब में परिवार साथ में रहता था और तभी वो लोग सब एक दूसरे का देखते थे, अभी क्या हुआ कि संयुक्त परिवार खत्म हो गया है। तीन लड़के हो तो तीनों लड़के अलग अलग रहते हैं, वो उसका नहीं दे सकता, इसीलिए हमको यहाँ आना ही पड़ता है। किसी की मुस्कुराहटों पे वो निशा, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी कदर है। जरा खोल नगाड़े संग ढोल बाजे, ढोल बाजे ढाए ढाए धम धम ढाए, नगाड़े संग ढोल बाजे, ढोल बाजे ढाए 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 धम ढाए। धिनकड़ाक धिनकड़ाक आचार के सराट, पैरों से बेड़ी जरा खोल नगाड़े संग। बहुत आनंद थी, बताओ हरी मरी में रहे थे। लेकिन यहाँ का माहौल ऐसा है कि मुझे इतना अच्छा लगा कि यहाँ से मुझे फिर संसार में जाने की इच्छा नहीं होती। घर से ज्यादा यहाँ अच्छा लगता है, सब कुछ मिलता है। वृद्धाश्रम में अत्यारे बहुत सरस रीते हमने रहवा मड़े छे, हमारे वयस्क हमारे हम उम्र सब यहाँ मिलते ही मुझे आनंद हो गया।
मुझे नहीं है तो आज भी उनकी कहीं ना कहीं खली महसूस होती है। मैं आज भी उनको याद करती हूँ, आज भी उनकी जहाँ पे बैठने की उठने की जगह है वहाँ पे देख के मेरी आँख में इवन आंसू भी आ जाते हैं उनको याद करते हुए। अगर उन्होंने एक्सपीरियंस ले चुके हैं पहले से, उन्होंने 85 years, 80 years वो लोग जी चुके हैं इस दुनिया में, तो मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, तो अगर मैं उनके एक्सपीरियंस को गेन करना चाहता तो उनको सुनना पड़ेगा, उनके साथ रहना पड़ेगा। हमारे साथ ढेर सारी बातें करते थे, कहानियाँ कहती थी और बहुत ही एंजॉय करते थे हम लोग। माता पिता ने हमको बड़ा किया है, हमको इतना, हमारे पे इतना एहसान है हमारे माता पिता का। मेरी दादी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जब भी मैं कुछ परेशान होती थी तो मतलब मुझे दादी को बताना नहीं पड़ता था, वो ऑटोमेटिकली मेरे एक्सप्रेशन से जान जाती थी। मेरी दादा की बहुत याद आती है। सुन ले वेस्ट करना या आने चाराने बचे हर चाराने, सुन ले वेस्ट करना या।